हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इन डिटेल समझने वाले हैं XAU USD गोल्ड में हमें किस तरीके से एक एनालाइज करना होता है, किस तरीके से हमें एक कंफर्मेशन लेना होता है, इसके बाद हमें यहाँ से ट्रेड को प्लान करना होता है। तो अभी ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से आपको अप डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है और यहाँ मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। तो ट्रेडर्स यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा। ये मुझे एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, तो यहां हम ट्रेड को सबसे पहले प्लेस करेंगे सेल डायरेक्शन में और यहां से हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं 0.10 लॉट साइज के साथ। छोटी क्वांटिटी यहां पे ऐड करेंगे, थोड़ा और ऐड कर लेंगे और यहां से मैंने अपना ट्रेड प्लेस कर दिया है सेल डायरेक्शन में। काफी शानदार सेटअप हमें यहां पे देखने को मिल रहा है ट्रेडर्स। देखिए यहां हमने एंट्री क्यों किया है, तो सबसे पहले तो यहां पे आप देखिएगा, ये मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा हूं, ये मुझे एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, राइट। तो रेजिस्टेंस एरिया पे हमने ट्रेड को प्लेस किया है सेल डायरेक्शन में और यहां पे छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाना चाहूंगा मैं आपको, स्टॉप लॉस देने वाले हैं। यहां पे हमने किया है शॉर्ट पोजीशन और यहां पे ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हुआ है हमारा एंट्री और यहां पे हम इस लेवल के आसपास तो बड़ा हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, बट कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट भी हम इस लेवल के आसपास ही देने वाले हैं, ठीक है। 1:1 प्लस रहेगा हमारा इस ट्रेड में रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, जो कि बहुत कम टाइम में यहाँ पे चीप भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हम किस लेवल का देंगे, तो स्टॉप लॉस के लिए ये वाला एरिया पहले ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, जो प्रीवियस मार्केट ने हाई लगाया है इसके थोड़े से ऊपर देंगे हमारा स्टॉप लॉस। तो चलिए स्टॉप लॉस मैं मॉडिफाई कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 1844.12 का देंगे स्टॉप लॉस। चलिए मॉडिफाई ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे ये मैंने ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है और सेटअप बहुत ही शानदार है ट्रेडर्स, बहुत ही शानदार सेटअप है। मैं काफी टाइम से यहां से वॉच कर रहा था इस एरिया के आसपास और फाइनली यहां पे काफी अच्छा प्राइस हमें यहां पे मिल चुका है, मोमेंटम भी काफी अच्छा यहां पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम टाइम में यहां पे हमारा टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सेटअप है, ठीक है। यहां पे मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हमने ट्रेड को प्लेस किया है सेल डायरेक्शन में, इसके पीछे का लॉजिक सब कुछ हम इन डिटेल जानेंगे वीडियो में आगे, थोड़ा बहुत यहां से मार्केट को रिजेक्शन करने दें, इसके बाद हम सब कुछ इन डिटेल समझने वाले हैं। आपको इस वीडियो से एक नॉलेज मिलेगा किस तरीके से हमें ट्रेडिंग से पैसा कमाना होता है, किस तरीके से हमें पेशेंस रखना होता है, इसके बाद हम इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा बहुत यहां से मार्केट बाय में भी देखने को मिल रहा है, बट 100% यहां से मैं आपसे कह सकता हूं 100% मार्केट यहां से फॉल करने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं यहां से। देखिए ये जो कॉन्फिडेंस है ना ट्रेडर्स, आपको कुछ टाइम जब आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, कुछ टाइम आप इस सेटअप पे काम कर लेंगे, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो लेट्स सी अभी देखेंगे, तो देखिए $7 के आसपास चल रहा हमारा इस ट्रेड में लॉस, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है मार्केट मैक्सिमम इस लेवल के आसपास यहाँ पे हाई लगा सकता है, अगेन मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो लेट्स सी, वेट करते हैं। अभी देखिए ट्रेडर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मार्केट इस लेवल का यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे मार्केट 100% फॉल कर सकता है और आप देख सकते हैं मार्केट ने एग्जैक्ट इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से अभी देखिए फॉल करना स्टार्ट कर दिया है और देखते ही देखते यहाँ से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो चुका है। देखिए $10-11 का प्रॉफिट यहाँ पे वही शो कर रहा है। यहाँ पे किस तरीके से एनालाइज किया है ये भी हम वीडियो के आगे सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लो ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो को नोटिफिकेशन भी आपको आगे मिलती रहे। अभी यहां पे हम प्रॉपर वेट करेंगे हमारे टारगेट के लिए, तो यहां पे ट्रेडर्स जो हम टारगेट देने वाले हैं इस लेवल के आसपास यहां हम अपना टारगेट देने वाले हैं, ठीक है। तो आने देंगे इस एरिया के आसपास, इस एरिया में किस तरीके का रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है, फिर उसी हिसाब से हम अपना प्रॉफिट भी यहां पे बुक कर लेंगे। तो भाई देखते ही देखते यहां से हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत शानदार सेटअप यहां पे हमें देखने को मिला और बहुत ही कम टाइम में हम यहां से अपने प्रॉफिट को भी बुक करने वाले हैं। बस थोड़ा सा नीचे और आ जाए मार्केट, तो यहां से हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे।
देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट हमारा कितना ज्यादा पेशेंस यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पे हमारे लिए कितना ज्यादा यहाँ से साइडवेज हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अपने पेशेंस को कितना ज्यादा टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। ट्रेडर्स, जितना ज्यादा आपके अंदर पेशेंस है ना, उतना ही आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। देखिए मार्केट यहाँ पे हमसे कितना डराने का ट्राई किया गया है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनाया, अगेन यहाँ से फॉल कर दिया, हो सकता है मैं भी फिर से मार्केट यहाँ से चला जाए, स्टॉप लॉस भी हमारे हिट हो सकता है। लेकिन लेकिन यहां पे हमें मार्केट में गिव अप नहीं करना, डरना नहीं है। पहले ट्रेड प्लेस करने से पहले हमारे स्टॉप लॉस को ही यहां पे देख लेना है, हम इस ट्रेड में कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। तो यहां पे हम इस ट्रेड में मैक्सिमम $30, कितना मैक्सिमम $30 का लॉस यहां पे बुक कर पाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमारा लॉस होगा ही नहीं इस ट्रेड में। स्टॉप लॉस पहले ही लगा दिया है, वो टारगेट नहीं लगाया, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहां से एक पैनिक सेलिंग भी यहां पे दिखा दे, तो बड़ा प्रॉफिट भी यहां पे बुक कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट हमारा बड़ा है, तो टारगेट के लिए प्रॉपर वेट कर रहे हैं। अभी अगेन मार्केट आ चुका है हमारे फेवर में, अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल सिंपल इस लेवल के आसपास। ठीक है, कहां लाएंगे, इस जो प्रीवियस हाई लगा बस इतना सा देंगे हम स्टॉप लॉस। चलिए फटाफट से मॉडिफाई कर लेते हैं, 1842 का स्टॉप लॉस 37 कर देंगे इसको, और यहां से मॉडिफाई कर देंगे। तो फाइनली यहां से हमने स्टॉप लॉस कर दिया ट्रेल, और स्टॉप लॉस हो गया हमारा बहुत ज्यादा छोटा, टारगेट काफी बड़ा हमारा, इस एरिया के आसपास ही एग्जिट करेंगे। देखिए यहां से हमने ये वाला एक सपोर्ट यहां पे मार कर रखा ना ट्रेडर्स, बस इस एरिया के आसपास ही यहां हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। देखिए ज्यादा ग्रीडी भी नहीं बनेंगे हम, इस एरिया के आसपास हमें एग्जिट करना होगा। जैसे इस एरिया के आसपास ट्रेड हमने प्लेस किया था ना, इसी तरीके से यहां भी हमें एग्जिट करना जरूरी है। मार्केट यहां से फॉल भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट यहीं से भाग जाएगा, नहीं, मार्केट फॉल भी कर सकता है और भी फॉल कर सकता है, बट यहां पे हमें लॉजिकली जगह तो बाहर निकलना होगा ना ट्रेडर्स। रेड बैक टू बैक कैंडल्स बनाई है, अगेन एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, तो यहां पे ज्यादा वेट नहीं करेंगे, थोड़ा और नीचे आ जाए बस हमारे एरिया पे आ जाए, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए यहां से नेक्स्ट कैंडल बन चुका है और हम आ चुके हमारे एरिया के आसपास। देखिए ग्रीन कैंडल यहां पे बनाने लगा है, जैसे हम बात कर रहे थे बैक टू बैक रेड कैंडल बनाई है तो ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहां से स्टॉप लॉस भी लेके जाएगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस हमने कर दिया है, हम प्रॉपर वेट कर रहे हैं हमारे टारगेट के लिए। अब यहां पे हमें अलर्ट होने की जरूरत है ट्रेडर्स, यहां पे हमें अलर्ट होने की जरूरत है। जो प्रॉफिट चल रहा है इस प्रॉफिट को मैनेज करना जरूरी है। यहां पे देखिए ग्रीन कैंडल बन रहा है, मार्केट इस लेवल के आसपास पहले ही, देखिए जो हमने एक एरिया मार्क किया ना, इस एरिया के पहले ही यहां पे ग्रीन कैंडल जैसा बन रहा है, शो कर रहा है। यहां पे हमें अलर्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मार्केट फॉल करेगा तो फिर इंस्टेंट फॉल भी कर सकता है, सेकंड कंडीशन भी यहां पे हो सकती है, मार्केट इंस्टेंट बाय में भी जा सकता है। यहां पे दोनों कंडीशन है, 50-50% चांसेस है। अभी देखेंगे रेड कैंडल तो यहां से बनना स्टार्ट हो चुका है, $29 प्रॉफिट हो चुका है और $30 हो चुका है। मैं क्लोज ऑर्डर करूंगा, अपने प्रॉफिट को बुक करूंगा ट्रेडर्स, और फाइनली मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। चलिए अब यहां से हम लॉजिक को समझ लेंगे, किस लॉजिक के साथ ट्रेड को प्लेस किया था। सेल डायरेक्शन में काफी शानदार ट्रेड रहा ये हमारा, गोल्ड में छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री किया था, बड़े वाले टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लिया था। चलिए समझते हैं किस तरीके का सेटअप था ये। देखिए ट्रेडर्स, यहां पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर मार्केट को फॉल करना तो इंस्टेंट यहां से फॉल कर सकता है, और सपोर्ट लेगा तो भाई यहां से सपोर्ट भी ले सकता, बट यहां पे मार्केट ने देखिए इंस्टेंट इस लेवल से फॉल कर दिया है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो और भी मार्केट फॉल कर सकता है। काफी शानदार सेटअप था और यहां पे काफी कम टाइम में हमने हमारा टारगेट अचीव किया है। चलिए अब यहां से हम लॉजिक को समझ लेंगे, लॉजिक यहां पे क्या था, क्यों ट्रेड को प्लेस किया था सेल डायरेक्शन में। तो हम आ चुके हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहां पे ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जब हम ट्रेड को प्लेस कर रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था ये वाला जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एक सप्लाई जोन है। यहां से मार्केट ने प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, और यहीं से जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था हमने इंस्टेंट ट्रेड को प्लेस कर दिया बहुत फास्ट। चलिए अब हम यहां से समझते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम में, छोटे वाले टाइम फ्रेम में हमने क्या कंफर्मेशन लिया और क्यों ट्रेड को प्लेस किया सेल डायरेक्शन में। मुझे एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह यहां पे देखने को मिल रहा था, यहां पे
देखिएगा, ये मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया था ट्रेडर्स, और यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न हमारे क्या काम का है तो ध्यान देना, यहाँ पे डब्लू पैटर्न का ये निकलाइन ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फ्रेश एंट्री, ध्यान देना ये डब्लू पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे फ्रेश एंट्री हुई, और जिस ट्रेडर ने यहाँ से एंट्री किया उसका प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेगा, तो ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ। अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद जो मेरी तरह काफी ट्रेडर्स यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो यहाँ से ट्रेड को प्लेस करना है सेल डायरेक्शन में, फाइनली यहाँ से ट्रेड को प्लेस किया सेल डायरेक्शन में, और देखिए अभी मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एकदम सिंपल लॉजिक था। सो आई होप ट्रेडर्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लेस करने से पहले एक कंफर्मेशन लेना होता है, किस तरीके से हमें अपना माइंडसेट रखना होता है, किस तरीके से हमें हमारे लेवल तक आने के लिए वेट करना होता है, इसके बाद ही प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड को प्लेस करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना है। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।